यहाँ पे पाव भाजी बहुत ही अच्छी बनाई है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, और जब भी आप सब यहाँ आए तो जरूर इसे खा के जाएं। मेरा नाम संतोष शर्मा है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल संतोष फूड डायरी। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ किशनगढ़ के मोस्ट फेमस मिस्टर शेफ के शॉप पे। इनका मिस्टर शेफ के नाम से बहुत ही फेमस शॉप है और यहाँ पे आपको फास्ट फूड के रिलेटेड बहुत सारे आइटम खाने को मिल जाएगा, जिसमें से इनके पास मंचीज़ है, मैगी है, पिज्ज़ा है, पास्ता है, देसी चाइनीज है, डिज़र्ट है, बर्गर है, सैंडविच है, मोमोज है, ऐसे बहुत सारे आइटम आपको खाने को मिल जाएगा। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम जितेंद्र वैष्णव है। लास्ट 10 to 11 ईयर्स मुझे हो गए हैं एज ए शेफ़। मैंने वर्किंग किया है इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट, और अभी रिसेंटली लास्ट 2 ईयर्स मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, और मिस्टर शेफ़ के नाम से मैंने स्टार्ट किया है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और लोग पसंद कर रहे हैं। और काफ़ी जो वेराइटी जो मैंने रखी है फूड की, तो कोशिश यही थी कि मैं कुछ अच्छा लेके आऊँ, तो मेरे पास जो भी वेराइटी है मेन्यू में वो सारी फ्यूजन फूड है। okay. तो वही आइटम्स मैंने रखे हैं, और कोशिश यही है कि मैं अच्छे से अच्छा सर्व करूँ कस्टमर को। टिक्की आप देख सकते हैं, एकदम स्पेशल टिक्की है बर्गर का। अच्छा, ये टिक्की में क्या क्या मिक्स होता है? इसमें वेजिटेबल रहेगा, पनीर है, हर्ब्स है इसमें। अच्छा हाँ, और अदर फिर थोड़े स्पाइसेस होते हैं, इंडियन स्पाइसेस। तो मतलब आपके जो फास्ट फूड है, आपकी जो आइटम है वो 200 से डिफरेंट है, तो मतलब इसकी कुछ खास बातें बताइए ना। एक्चुअली जो मेरा मेन्यू है वो 70% होममेड है, जो भी सॉसेज वगैरह ग्रेवी है वो मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ। okay. तो इसलिए वो टेस्ट अच्छा है, और मैं जो भी आइटम यूज़ करता हूँ बढ़िया से बढ़िया मैं काम में लेता हूँ। और मक्खन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये क्या जा रहा है? इस पे पेरी पेरी ऐड करेंगे, ये पेरी पेरी पनीर बर्गर बन रहा है। ये पेरी पेरी है जो कि यहाँ का फेमस, ये मसाला होता है क्या? हाँ, पेरी 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 मसाला होता है। ओके, ये क्या है? हल्का सा मेयो, मायो है। ओके, ये मायो हो गया आपका। और एक्चुअली हम लोग कहीं और से आए हैं, हम लोग प्रॉपर किशनगढ़ के नहीं हैं, तो हम लोग यहाँ पे विज़िट करने आए कि हम लोगों को स्ट्रीट फूड टेस्ट करना था, तो हमको ये बहुत अच्छा लगा और हमने यहाँ के पाव भाजी खाई है, तो हमको हम लोग प्रेफर करेंगे कि दूसरों को भी रेफर करेंगे कि हाँ बहुत टेस्ट। मोस्ट डिमांडेड आइटम कौन सा है किशनगढ़ के अंदर? जो आइटम मेरा फेमस है, कस्टमर ज़्यादा लाइक करते हैं, उसमें फ्यूजन मोमोज हैं, पुलपाट गार्लिक ब्रेड है, और उसके अलावा पाव भाजी है मेरा, और उसके अलावा देन फास्ट फूड आइटम है अदर, उसमें पिज्ज़ा वगैरह है, सैंडविच है। तो आपका रिजनेबल प्राइस में मतलब कौन सा अच्छा आइटम आ जाता है? अगर आप मेन्यू की बात करें, कम से कम तो मेरा 30 रुपीज़ से मेन्यू स्टार्ट है, और सभी आइटम रिजनेबल ही है, और आपको बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी। गार्लिक चटनी है, ये गार्लिक चटनी हो गया आपका, लगाएंगे स्पाइस के लिए। अच्छा, स्पाइसी के लिए। हाँ। ये तंदूरी है, ये तंदूरी हो गया, ये पनीर है, पनीर को भी इसमें ऐड किया जा रहा है, उसके ऊपर से ये टिक्की आ जाएगा। टिक्की अपना बर्गर टिक्की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है खाने के लिए, और जो भी मेरा फीडबैक होगा मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में एक कस्टमर है और ये एक सिंगर भी है। मैं आपके चैनल का क्या नाम है? अंतिमा आशीष कासठ। ओके, तो ये जो चैनल का नाम बताया, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनका डिटेल दे दूंगा, आप इनके भी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए जरूर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में एक कस्टमर है जो कि मिस्टर शेफ पे इन्होंने अभी मोमोज खाया है, तो आपको यहाँ का जो मोमोज है कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो आपको यहाँ का जो टेस्ट है कैसा लगा? यहाँ का टेस्ट बहुत बेहतरीन है। तो आपको यहाँ का जो टेस्ट है कैसा लगा? मेरे को आज 1.5 ईयर हो चुके हैं पाव भाजी खाते हुए, आज ने 15 तारीख को ओपनिंग थी शॉप की, आज पाव भाजी खाई है मैंने, बहुत ही वही टेस्ट है जैसे पहला था, वही फेमस है किशनगढ़ में, ऐसी पाव भाजी कहीं नहीं मिलती। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ का फेमस बर्गर खा रहा हूँ, एक नंबर। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मैंने अभी मिस्टर शेफ का फेमस बर्गर खाया, बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट लगा जाए। ओवरऑल मिस्टर शेफ के बारे में लोगों का बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कमेंट रहा, तो आपको भी एक बार मिस्टर शेफ पे आना चाहिए और इनके जो भी आइटम्स हैं उसको खाना चाहिए। आप एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे।